Okay, अभी मैंगो लस्सी बना रहे हो? मैंगो कैसे मैंगो? सूरत में लस्सी चालू करने वाले ही हम। क्या बात है, गाँव से भी लोग आते हैं, कहीं कहीं लोग आते हैं लंदन से, अमेरिका से भी आते हैं। वो बोल रहे आज 25 साल पहले जो लस्सी पी है ना, उसका टेस्ट आज भी वही टेस्ट आज भी मिल रहा है। पहला और सबसे जूना हमारे दादा दादी बोलते थे कि हमने गांधी जी को भी देखा है। दोस्तों, सूरत सिटी में 70 साल से एक ही नाम कर रहा है सबके दिलों पर राज, और वो है जयशंकर लच्छी शॉप। यहाँ की लच्छी में कुछ अलग ही बात है, कुछ खास बात है, और ये जो लस्सी शॉप है वो सालों से सबकी चलती रही है। और यहाँ पे मिल रही है आइसक्रीम लच्छी, सिखन लच्छी और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सो आइए अंदर चल के देखते हैं। अभी मैंगो लस्सी बना रहे हो? मैंगो कैसे मैंगो? अब ये कौन सी लच्छी बन रही है? ये बिस्तर लच्छी बन रही है, एकदम गाढ़ी लच्छी है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये है प्लेन वेनिला लच्छी, ये है पिस्ता लच्छी, और ये है केसर मैंगो लच्छी। दोस्तों, लच्छी तो हर जगह मिलती है, हर एक शहर में मिलती है, पर जैसी लच्छी आपको शंकर लच्छी शॉप में मिलेगी, वैसी लच्छी आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये कौन सी लच्छी है? वेनिला। ये वेनिला? हाँ वेनिला। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो एक साथ 200 से 250 ग्लास लच्छी के बन रहे हैं कुछ इस तरह से। भैया, यहाँ पे हलोस की कितनी लच्छी बेच लेते हो आप? रोज की 3-4 हजार लस्सी निकल जाए। ये इसमें आ गई पिस्ता की लच्छी। ये पिस्ता। यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी लच्छी चलती है भाई? सबसे ज्यादा व्हाइट चलती है। सबसे ज्यादा व्हाइट ही चलती है। व्हाइट की प्राइस क्या? 50 रुपया 40 के 50। 40 का छोटा, बड़ा का 50। आइसक्रीम वाला 50 रुपया और चिकन वाला 40 रुपया, चिकन काजू 40। ये है केसर मैंगो लच्छी, ये है वेनिला लच्छी, और यहाँ पे बन रही है पिस्ता जो लच्छी। ये आ गया केसर मैंगो लच्छी में, ऊपर से वेनिला आइसक्रीम। यहाँ पे लच्छी के अलावा और क्या क्या मिलता है भाई? कोको भी मिलता है। कोल्ड कोको भी मिलता है, और बादाम शेक, आलू डम, बहुत सारी चीजें मिलती है, पर स्पेशल लच्छी यहाँ की। लस्सी हमारा फेमस है। ओके, अभी ये पिस्ता की लस्सी में भी आ गया वेनिला आइसक्रीम। वैसे लच्छी तो हर जगह मिलती है, और ये जो शंकर लच्छी शॉप है, यहाँ पे लच्छी में आइसक्रीम देते हैं और साथ में श्रीखंड की भी चॉइस मिलती है। तो अगर आप चाहो तो अपनी लस्सी में श्रीखंड ऐड करा सकते हो, या तो फिर आइसक्रीम भी ऐड करवा सकते हो, और इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट भी रहेगा ना भाई? हाँ, ड्राई फ्रूट आएगा ना। क्या बात है। सो भाई, अभी ये जो आप लच्छी बना रहे हो वो कितनी मिनट में ख़त्म हो जाएगी? ये आधा घंटे में ख़त्म हो जाएगी। आधा घंटे में ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर नहीं? हाँ नहीं। सौरोज यहाँ पे सुबह 9 से लेके शाम को 11 बजे तक इसी तरह नॉन स्टॉप लच्छी बनती रहती है। ये हमारी वेनिला लच्छी में आ गया, ऊपर से गुलाब का आइसक्रीम, गुलाब आइसक्रीम। दोस्तों, ये जो व्यू है वो कितना शानदार लग रहा है, हमारे इंडिया का फ्लैग हो गया। सबसे पहले आ गया ऑरेंज, बीच में वाइट, और लास्ट में आ गया ये ग्रीन कलर। आएगा।
ये वेनी लच्छी में ऊपर से टॉपिंग में रहता है, रोज आइसक्रीम और साथ में गेसो नट, चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट सिरप। ढेर सारे ड्राई फ्रूट है, ढेर सारे चॉकलेट है और एकदम टेस्टी वाला क्रीमी आइसक्रीम भी इसमें डाला गया है। दोस्तों मिलते हैं शंकर लच्छी शॉप के ओनर से और जानते हैं यहाँ की कुछ खास बातें। तो भैया आपका नाम क्या है? जैकी भाई। जैकी भाई, सूरत के लोग मेरे को जैकी भाई से पहचानते हैं। ओके ग्रेट। आप हर एक जगह पे चले जाओ सूरत के कोई भी कोने में, वो मेरे पहचान वाला निकलेगा या ना निकलेगा। क्या बात है। ऐसा है अपना, ऐसा व्यवहार रखा है, ऐसा संबंध बना के रखा है। कोई भी जगह पे आप जाओ, सूरत में डुमस चले जाओ, नवसारी बाजार चले जाओ, भाटा गाँव चले जाओ, हराजन चले जाओ, बुढ़िया चले जाओ, बिहार चले जाओ, किधर भी जाओ, मेरे नाम से लोग मेरे को पहचान। क्या बात है। तो जैसे स्वीटनेस आपकी लच्छी में, वैसे ही आप में भी स्वीटनेस है। वही, उसके लिए ही लोग जानते हैं, पहचानते। क्या बात है। मैं कोई की शादी में चला गया तो 50 जन वहाँ से जान पहचान वाले निकले। सही है, सही है भाई अपने, वो चीज है। सो बेसिकली ये जो आपकी लस्सी शॉप है वो कितने साल पुरानी है? ये हमारी जो लस्सी शॉप है भाई साहब 70 ईयर्स अगो, 70 साल पुरानी। क्या बात है। हमारे दादा दादी ने ये बिजनेस चालू किया होगा। आज भी सूरत में जितने भी झूने लोग होंगे आप बोलते होंगे क्या हमने ये जयशंकर की लस्सी पी हुई है। सूरत में लस्सी चालू करने वाले ही हम। क्या बात है, आपने लस्सी चालू की थी? सबसे पहला और सबसे जूना हमारे दादा दादी बोलते थे कि हमने गांधी जी को भी देखा है। क्या बात है, ऐसी बात है। तब से हमारा धंधा चालू। तो उस टाइम पे लच्छी की प्राइस क्या थी? 10 पैसा, ओनली 10 पैसा रुपया मिलती थी। आज की जनरेशन में वो देखा भी नहीं होगा। यस यस, सही बात है। 10 पैसा यानी क्या, आज की जनरेशन में 10 पैसा भी नहीं देखा होगा। मैंने तो देखा, हमारे दादा दादी ने संभाल के धंधे में रखा था कि हम लोग ये पैसे से धंधा करते थे। सही है। तो आप जब छोटे थे तब से ये सब देखते आ रहे हो? आज हमारे हमारे खून में आ गया ये धंधा। यस, सच्ची बात है। और सबसे बड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी है, भोलेनाथ की मेहरबानी। ये धंधा आज हम कर रहे हैं और हमारे को हमारे बाप दादा ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे पापा ने एक ही चीज़ सिखाई है कि ग्राहक को संतोष मिलना चाहिए। वो संतोष मिलेगा कोई ग्राहक आएगा बार बार, तो उसको संतोष नहीं मिलेगा ना वो आएगा। एक बार सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो दो और को लेके आएगा। हाँ, दो और को। और हमारे दादा दादी ने एक ही चीज़ सिखाई है कि अभी भी जीवन में कस्टमर को है ना रियल प्राइस में दो, बाजार कीमत से थोड़ा कम प्राइस में दो, अच्छी क्वालिटी दो। मेन हमारी वही मोनोपोली है। हमारे दादा दादी ने एक स्लोगन बनाया था कि आपको पसंद आया तो हर कोई को बोलिए और आपको पसंद नहीं आया तो हमको बोलिए। क्या बात है। आज सूरत शहर में हर एक न्यूज़पेपर में, दिव्य भास्कर, गुजरात मित्र, संदेश, हर एक में हमारे दादा दादी के इंटरव्यू आ गए। क्या बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा, फॉरन तक के लोगों ने भी इंटरव्यू लेके गए क्योंकि इतनी मेहनत की है उन्होंने। आज सूरत में जब हमारे दादा दादी है ना, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं। आज ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हर एक हमारे घर के परिवार के पास घर भी है और शांति से रह रहे हैं। इतना स्ट्रगल और इतनी मेहनत करके आ रहे हैं। पर जैकी भाई आपकी मेहनत भी कम नहीं है। आपका दादा दादी ने जो ये खड़ा किया था एम्पायर, वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है। सो इसीलिए आज भी ये इतना नाम पूरे सूरत में नहीं, पूरे गुजरात में चल रहा है। बाहर गाँव से भी लोग आते हैं, कहीं कहीं लोग आते हैं लंदन से, अमेरिका से भी आते हैं। वो बोलते हैं आज 25 साल पहले जो भी जो लस्सी पी है ना, उसका टेस्ट आज भी वही टेस्ट आज भी मिल रहा है। क्या बात है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। सही है, सही है, प्राउड की बात है। पूरे सूरत के लिए बड़ा प्राउड हो आप। आप स्टेशन पर भी उतरोगे ना और रिक्शे वाले को पूछोगे कि भाई सूरत में फेमस लस्सी वाला तो सीधा रिक्शा ही करेगा। सही है। और पूरे सूरत में आपकी एक ही ब्रांच है क्या और कोई है? नहीं, हमारी ये एक ही ब्रांच है। एक ही ब्रांच है। ऊपर वाले की मेहरबानी, एक ही दुकान है और शांति से धंधा कर। और यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या है? यहाँ का प्रॉपर एड्रेस है चौक बाजार जयशंकर लस्सी। चौक बाजार जयशंकर लस्सी सूरत।